हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डार्क सीक्रेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे YouTube चैनल पर आपको हमेशा डेली एक ना एक आपको हेयर ग्रोथ के लिए वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल और हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी वीडियोस के साथ सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर के आते रहते हैं। सो आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन बाल बढ़ाने के नुस्खे, बालों को लंबा घना बनाने के नुस्खे, बालों को झड़ने से रोकने के नुस्खे और बालों से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनसे सारे जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं आपको मिल जाएंगे। हम आपके लिए देसी नुस्खे और घरेलू नुस्खे लेकर के आते रहते हैं, जिनके निरंतर और कंटिन्यू उपयोग से आप अपने बालों को बहुत तेजी से लंबा घना मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ बालों की समस्याएं जैसे झड़ते बाल, रूसी वगैरह और दोमुए वाल आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल मुफ्त है। ऐसे ही हम आपके लिए आज एक अच्छा सा घरेलू नुस्खा लेकर के आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कैसे नुस्खा तैयार करना है, कब तक यूज करना है और कैसे इसको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोकोनट ऑयल आपको इंडिया में बहुत जगह पर मिल जाएगा या शायद आपके घर पर भी अवेलेबल हो फिलहाल में। सो गाइस, नहीं है तो आप किसी अच्छे ब्रांड का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पैरासूट कोकोनट ऑयल ले रहा हूँ, यह भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हम यहाँ पर एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले लेंगे। सो एक चम्मच देख सकते हैं, यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रहे हैं। जो दूसरी चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं गाइस, वो है सो गाइस, पोटैटो में कार्ब्स एंड स्टार्च बहुत अच्छी मात्रा में होता है गाइस। यह आपके बालों को जो है ठीक से गाइस स्मूथ करता है, साफ करता है और कंडीशन करने का भी काम करता है। सो गाइस, आप इसको जो है पीस कर, काट कर बहुत अच्छे से इसका रस निकाल लीजिए। इसको पीस कर इसको छान लीजिए, जिससे इसका रस निकल जाएगा। सो अच्छे से इसका रस निकाल लीजिएगा। देन गाइस जो है यह आप हम रेमेडी में इसलिए यूज कर रहे हैं कि यह आपके बालों को थोड़ा कंडीशन और स्मूथ करने का काम करेगा और यह उनकी ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ाएगा भी। सो हम एक कटोरी में ले लेंगे एक से दो चम्मच यहाँ पर पोटैटो जूस। तो यहाँ पर ले लीजिए। गाइस, जब हम किसी नुस्खे में विटामिन ई यूज करते हैं गाइस, तो विटामिन ई जो है आपके नुस्खे को बहुत ही और ज्यादा पोषण से भर देते हैं, मतलब उसके नुस्खे की जो है पावर को डबल कर देता है। सो हम यहाँ पर जो है विटामिन ई, मतलब इवन 400 विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज कर रहे हैं। तो गाइस, आप जो है इसको किसी किराना शॉप से या फिर किसी मेडिकल शॉप से या फिर ऑनलाइन परचेस कर लीजिए विटामिन ई इवन के 400 ग्राम जो है, हाँ 400 mg के कैप्सूल्स। सो ले लीजिए आप किसी मेडिकल स्टोर से या फिर किसी किराना जनरल स्टोर से। तो आपको यह सिर्फ एक से दो इस रेमेडी में यूज करना है। तो हम यहाँ पर एक से दो विटामिन ई कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, यह ऑप्शनल है गाइस, कोई जरूरी नहीं है। तो गाइस, ये जो ऑयल हमने लिया है यहाँ पर इस नुस्खे को तैयार करने के लिए और ये जो जूस हमने लिया है गाइस, तो इन दोनों को आपको मिक्स कर देना है ठीक से गाइस। सो आप चाहें तो इनको दोनों को बराबर मात्रा में ही लेना है, दोनों को दो दो चम्मच लें या तीन तीन चम्मच लें या चार चार चम्मच लें। मतलब आप ऑयल को दो दो चम्मच ले रहे हैं तो जूस को भी दो चम्मच लेंगे। इस दोनों चीजों को आपको बराबर मात्रा में लेना होगा। तो इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा नुस्खा तैयार। यह नुस्खा जो तैयार हुआ है गाइस, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसको गाइस आपको अपने हैड्स की जड़ों से लेकर सिरे तक गाइस 15 से 20 मिनट तक मसाज करनी है हल्के हाथों से। ध्यान रखिए, ज्यादा जोरों से या ज्यादा तेज से मसाज ना करें, हल्के हाथों से मसाज करें। और देन जब मसाज कंप्लीट हो जाए 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद अपने सारे बालों में हल्के हाथों से गाइस इसको अप्लाई करना है। हल्के हाथों से बिल्कुल सारे बालों में अप्लाई करके छोड़ दीजिए 2 घंटे तक। 2 घंटे बाद आप चाहें तो शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं या फिर नहीं भी करें तो बेहतर होगा। आप नेक्स्ट डे या फिर इसके यदि आप इसको सुबह यूज करें तो शाम को शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं या रात में यूज करें तो सुबह शैम्पू कंडीशनर यूज कर सकते हैं। सो यह बहुत ही अच्छी रेमेडी, इसको कंटिन्यू यूज करेंगे आप हफ्ते में 3 से 4 बार तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। होप यू लाइक द वीडियो। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा।